हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग फिर देखेंगे हिस्ट्री का एक चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन तमाम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। साथ ही साथ इसमें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इससे संबंधित भी हम लोग बहुत सारे, यानी कि लगभग 40 प्रश्न को देखेंगे। यानी आज हम लोग कुछ ज़्यादा ही प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। आप लोग इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, खास करके चाहे प्लस टू हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं, यानी सेकेंडरी टीचर और सीनियर सेकेंडरी टीचर जो भी बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस मटेरियल का जो है बार बार अध्ययन आप जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसके पहले जितने भी टॉपिक, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, उसके बाद शहरीकरण एवं शहरी जीवन, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, व्यापार और भूमंडलीकरण, ये हो चुका है, लेकिन प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद ये नहीं हुआ है, ये आज हम लोग देख रहे हैं। इतने सारे चैप्टर का मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप ये एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन तमाम वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो 149 रुपये का फोन पे करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो वीडियो दे रहे हैं उनका पीडीएफ प्लस एक्स्ट्रा जो मटेरियल होगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का, वो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? यानी वुड ब्लॉक छपाई, लकड़ी से छपाई, सबसे पहले चीन में। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में जो है खोला गया था। 95 स्थापनाएं किसने लिखी है, यानी 95 स्थापनाएं किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर ने लिखी है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा बंगला में, और ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया था? राइट आंसर मीरातुल अखबार। देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र का क्या नाम था? राइट आंसर होगा हिंदी हिंदू पैट्रियट। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? राइट आंसर गोवा में लगाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? यह 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के द्वारा, ये लीटन ने लगाया था, और लीटन ने लीटन लॉ से लगाया और रिपन ने इसे हटा दिया था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? राइट आंसर होगा चीन में हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? मैं पहले ही बताया 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स अगस्टस हिक्की को दिया जाता है, यानी सबसे पहले समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने निकाला था। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित होता था? राइट आंसर होगा जर्मनी। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेन वर्ग ने किया था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? राइट आंसर होगा बंगाल गजट, ये बंगाल गजट जो है जेम्स अगस्टस हिक्की ने निकाला था। उसके बाद इंग्लैंड में प्रथम मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? राइट आंसर होगा कैक्सटन, यानी मुद्रण कला का आविष्कार ये कैक्सटन ने किया था। गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? राइट आंसर हो जाएगा बाइबिल। गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? राइट आंसर होगा जर्मनी। तो उसके बाद देखिएगा 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? राइट आंसर मार्को पोलो होगा। मार्टिन लूथर कौन थे? राइट आंसर होगा धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन थे? तो धर्म सुधारक थे। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर ने ये कहा था।
उसके बाद भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो राइट आंसर पुर्तगालियों ने लगाया था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने आरंभ किया। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का दार्शनिक था। संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी नामक पत्रिका राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। चीनी व्यक्ति पी सिंह ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? 1041 ईस्वी में बनाई थी। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? राइट आंसर हो जाएगा मराठा में। और मराठा पत्रिका भी है, एक मराठा पत्रिका अंग्रेजी में था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? राइट आंसर हो जाएगा चीन। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टास द्वारा कब किया गया था? राइट आंसर होगा 1766 में। न्यूज पेपर एक्ट कब पास किया गया था? राइट आंसर होगा 1908 ईस्वी में। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? राइट आंसर होगा ईश्वर चंद विद्यासागर ने। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? राइट आंसर होगा यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? राइट आंसर हो जाएगा ये अमृत बाजार पत्रिका। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ और ये पूछ रहा हूँ, और ये अपने जो है ये मैसेज बॉक्स में इसका जरूर आंसर कीजिएगा। तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन ये इसका संपादक कौन था, ये आप हमको आंसर कीजिएगा और ये मैसेज बॉक्स में आंसर कीजिएगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद इससे संबंधित फिल इन द ब्लैंक्स। सेडोवा का युद्ध कब और ये किस किस के बीच हुआ था? ये ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। मेजनी ने सन 1834 में कौन सी संस्था बनाई थी? कार्बोनरी संस्था बनाई थी, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर का है, ये अर्नेस्ट रेनन जो है राष्ट्रवाद की व्याख्या की। अर्नेस्ट रेनन ने जो है ये राष्ट्रवाद की व्याख्या की थी। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? ये चांसलर था। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। चार्टिस्ट आंदोलन का उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना था। फ्राइड रिरव लिस्ट जर्मन ये कौन थे? ये अर्थशास्त्री थे। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा डैश को यूरोपीय देशों का पालना कहा जाता है। राइट आंसर होगा यूनान। एड्रियानोपल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी। यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने किया था। लाल कुर्ती वालों का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। 1830 ईस्वी को यूरोपीय क्रांति का वर्ष कहा जाता है। और सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। हंगरी की राजधानी का नाम बुडापेस्ट है। गीजो फ्रांस के राजा लुई फिलिप का प्रधानमंत्री था, यानी गीजो फ्रांस के राजा लुई फिलिप का क्या था? प्रधानमंत्री था। सुधार भोज का आयोजन पेरिस में थेयर्स के द्वारा किया गया था। मेटरनिक का पतन वर्ष 1848 है, ये आपको याद रखना है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित किया गया था। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, जो इटली के एकीकरण से बचा रहा था। उसके बाद देखिए दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसका भी फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स जो वैज्ञानिक समाजवाद दिया था। 31 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए चेका का गठन लेनिन ने किया था। रूस के शासक को जार कहा जाता है। दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ, ये नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस में फरवरी क्रांति 1917 में हुआ था। लेनिन बोल्शेविक दल का नेता था। उसके बाद देखिए क्रीमिया के युद्ध में रूस की हार हुई थी। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में
लागू हुई थी। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। रूसी क्रांति के समय शासक जार निकोलस द्वितीय था। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे और रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के निवासी थे। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं, जबकि समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवेन को ही माना जाता है। उसके बाद देखें हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। राजकुमार नरोत्तम सिंघानुप ये कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे और जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका हिंद चीन में साम्यवादी प्रसार को रोकने में विफल रहा था। अनामी दल का संस्थापना संस्थापक जो थे ये जोंगवेन आई थे। उसके बाद हो चिनमिन का दूसरा जो नाम है, हो चिनमिन का दूसरा नाम नियोगेन आई क्वाक है। डीएन वेन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया था। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग 10:30 में हम लोग बहुत सारी यानी 50+ प्रश्न आज हम लोग किए हैं। आप इसको रिवीजन 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। हाँ दोस्तों, एग्जाम के पहले आप इसके पीडीएफ को पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं बता दूँ कि जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है और इसमें आप पीडीएफ जो है पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप सारा प्रिंट करके रख लीजिएगा और पीडीएफ जो है एग्जाम के पहले 10 दिन पहले आप जबरदस्त रिवीजन मार लीजिएगा, निश्चित रूप से सफलता आएगी। और यदि आप ये पीडीएफ नहीं लेते हैं तो 149 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। यदि आप 149 से डर जाते हैं तो हो सकता है कि आप बेहतर नंबर बेहतर रैंक, चूँकि आपको ये पता होगा कि सिर्फ पास कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो जितना अच्छा रैंक लाएगा उसके आधार पर उसकी सीनियरिटी निर्धारित होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सीनियरिटी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है नौकरी में। इसलिए आप सिर्फ पास हो जाने से मतलब नहीं रखिए, आपको सीनियर भी बनना है, यानी कि रैंक बेहतर होगा तो आपको सीनियर माना जाएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।